लाखों चक्के हैं दबंग तो पहले से स्पीड करने में तो आपको डर नहीं लगेगा, पकड़ने में तो डर नहीं लगेगा क्योंकि अभी लाखों चक्के हैं दबंग तो पहले से मतलब है। मतलब हम लोग जब रनिंग का ग्रुप था ना तो बड़ा बड़ा सा ग्रुप रूप रहता है, ये गांधी मैदान में करते थे रनिंग वनिंग, तो वहाँ पे ऐसे ही तो कुछ लोग थे तो देखते थे, मतलब कहते थे नहीं तुम लोग हो दरोगा बनने लायक, भले नहीं बन रही हो अलग बात है लेकिन बनोगी तो सही रहेगा, मतलब बोल्ड जिस तरह से है स्टेप लेने में बोलने में सब चीज़ में। कभी बचपन से कभी कोई सोच लो कि हमारा घर में कोई दरोगा बनते बेटा चाहे बेटी, ये कभी सपना हले जाते? दरोगा बने तो सपना नहीं हले लेकिन हले कि कुछ बने, कभी अगर हम काम करे के अथी में लेबे नहीं के लिए कि हाँ ये काम करते तो मैंने पढ़े हम डिस्टर्ब हम एकरा कभी नहीं के लिए। कभी क्या है आपका, आप भी इनको काफी हेल्प किए? बहुत खाना बनाते नहीं, खाना ना बनाते हैं खिलाते हैं आते तो रहते हैं, कभी झगड़ा भी करना पड़ा था ननद से? गांव में हम लोग देखते हैं कि ननद भौजाई में कभी बनता नहीं है, होता है बहुत लोग का, हम लोग का नहीं होता है सब। साथियों अभी हम जो है लाखोचक गाँव में है, आप चेहरा देख सकते हैं, एक अर्चना कुमारी हमारे साथ मौजूद है और इनका जो है इस बार दरोगा का रिजल्ट क्वालिफाई हुए हैं, तो चलिए आपको मिलाते हैं और तमाम जानकारियां हम लेने का प्रयास करते हैं कि एक गांव से चल करके किस प्रकार से स्ट्रगल की और अभी जो है दरोगा का रिजल्ट क्वालिफाई की है। काफ़ी खुशी का माहौल है चानन क्षेत्र में, सभी लोग जान गए हैं, तो आज हम इनके घर पे आए हैं, मिलाते हैं और जानकारियां लेने का प्रयास करते हैं। अर्चना कुमारी मेरा नाम है जी, इस जगह का नाम बता दीजिए। इस गाँव लाखोचक है, ये चानन प्रखंड में आता है लखीसराय डिस्ट्रिक्ट में जी। कहाँ से मैंने शुरुआती आप थोड़ा सा बताइए, क्या आपको स्ट्रगल करना पड़ा जो कि आज जो है आप दरोगा क्वालिफाई किए हैं? शुरू से मतलब कि मतलब मेरे मम्मी पापा जो है कि हमेशा मतलब बोले कि तुम पढ़ो, काम वाम का कुछ भी ये सब का नहीं था कि बस ये पढ़ाई पे ध्यान दो, तो पढ़ाई करने लगे। उसके बाद थोड़ा सा जब नॉलेज आया, समझ में आया कि जब मेरे भैया जब पढ़ने लगे ना बाहर, तब हमको भी लगा कि नहीं हमको भी बाहर जाके पटना जाके पढ़ना है, तभी मेरा सपना था कि हमको भी जाना है बाहर। मतलब कोई ऐसा कुछ था नहीं गाँव में कि हाँ कोई उस टाइम कोई लड़की गई नहीं थी कोई बाहर, तो हमको था। तो फिर उसके लिए फिर हम जब उसके बाद 10 क्वालिफाई किए, 10 यहीं से लाखों चक से किए हैं, आरलाल चानन यहीं पे है हाई स्कूल जी। उसके बाद फिर एक साल तक इंटर का क्लास किए हैं, कोचिंग करने जाते थे लखीसराय, तो फिर दिक्कत उक्कत होने लगा पढ़ाई में कि पढ़ नहीं पाते थे, ट्रेन से आना जाना, ट्रेन लेट रहती थी इस वजह से। तो फिर हम बोले घर में, मम्मी को बोले कि मतलब हमको लखीसराय ही रहना है, तो थोड़ा सा हुआ पहले कि लड़की अभी बाहर कोई रह रही थी दिक्कत तो होगा, फिर थोड़ा सा मेरे सोचे समझे उसके बाद फिर लखीसराय रहने लगे। तो 12th वहीं से किए हैं, 12th ग्रेजुएशन। उसके बाद फिर लगा कि नए लखीसराय में तैयारी नहीं हो पा रहा, उस टाइम जनरल कंपटीशन का यहाँ पे नहीं अच्छे से होता था, टीचर उचर उतना अच्छे अच्छे है नहीं थे, अभी तो हैं लेकिन उस टाइम नहीं थे, तो फिर लगा कि नहीं पटना जाना चाहिए। पटना हम गए थे SSC का तैयारी करने के लिए, SSC ये सेंट्रल लेवल का जो होता है उसका, तो SSC CGL वगैरह वो सब। लेकिन उसका तैयारी जब कर रहे थे ना तभी वो आया, दरोगा का वैकेंसी आया था 1717 का, उस टाइम पे लड़की लोग का हुआ, तो मेरी दोस्त लोग थी, तो एक दोस्त एक दी थी तो साथ में थी, थोड़ा सीनियर थी मेरे से, तो वो बोली कि अर्चना तुम भी मतलब करना दरोगा का, तुम्हारा होगा, तुम अच्छा है तुम्हारा ऐसा, तुम कर सकते हो, हाइट वाइट भी है तुम्हारा। तो हम बोले कि ठीक है करेंगे, लेकिन उस टाइम एलिजिबल थे नहीं। थोड़ा अगला आया 2446 बैच 19 में आया, तो उस टाइम हम एलिजिबल हुए तो उस टाइम दिए, तो उस टाइम भी फाइनल तक हम गए थे लेकिन मेरा हाइट की वजह से नहीं हुआ, क्योंकि उस टाइम हाइट ज़्यादा था, 1.60 था, 1.60 सेंटीमीटर तो होता है गर्ल्स के लिए, लेकिन उस टाइम मेरा बाउंड्री पे था, कुछ पॉइंट से छूटा था। फिर अगली बार दिए 2213 का आया वैकेंसी, उसमें भी दिए तो उसमें भी फाइनल तक ये सारा कुछ हुआ, बस मेरिट नहीं बना था, एक दो नंबर से ऐसे ही। दरोगा बनने का सपना आपका बचपन से था या? नहीं नहीं बचपन से सपना नहीं था, पहले बचपन से आपका सपना क्या था? बचपन से सपना था कि मुझे कुछ करना है, मतलब लेकिन करना है बचपन से, हाँ मतलब सपना था। जब से समझ आया ना कि नहीं करना चाहिए, एक लड़की को भी कुछ करना चाहिए ताकि कल को मतलब सिर्फ पेरेंट्स को भी सपोर्ट कर सके, मतलब माँ बाप का जिम्मेदारी सिर्फ ऐसा नहीं होता कि सिर्फ बेटा का ही होना चाहिए, ठीक है। और हमेशा से हमको सिर्फ पढ़ने पे मतलब किए हैं पापा भी, मम्मी हमेशा हमको कभी भी किसी चीज़। सपना क्या था बचपन से आपका? सपना मेरा नहीं था कि कुछ किया ऐसा, देखिए गांव में रहने के बाद सपना लड़कियों का खासकर वो नहीं होता है कि IAS बनना IPS बनना, उस टाइम तो पता भी नहीं होता है कि IAS क्या होता है, BPSC तक का नहीं पता होता है कि क्या चीज़ होता है, लेकिन उस टाइम था कि बस कुछ करना है। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, नॉलेज होते गया हर चीज़ के बारे में, तब फिर हमको था कि SSC से जाना है, SSC CGL करना है, मतलब वो
उसके बाद गए वही करने के लिए थे, लेकिन उसमें भी एग्जाम देते थे, होता था प्री वगैरह हुआ, फिर उसमें डिले होने लगा कि होता था पेपर, उसका एग्जाम अथी रिजल्ट जल्दी नहीं आता था, बहुत सारा प्रॉब्लम होने लगा, तो उस लाइन से हम इधर हट गए, क्योंकि इसमें जो है ना मतलब आया था और लड़कियों का परफॉर्मेंस अच्छा था कि लड़कियों का हो रहा है 1717 बैच का, मेरे से एक बैच देने से पहले से, तो उसमें फिर आए कि नहीं नहीं अब दरोगा ही बनना है, जब से ठान लिया कि दरोगा ही बनना है तो दरोगा ही बनना है, उस टाइम से लगे रहे हैं। पहला बार एग्जाम में बैठा कि दूसरा था? तीसरा था मेरा दरोगा। हाँ, दूसरा बार में तीसरा, पहला बार वो हाइट में नहीं हुआ था मेरा। दूसरा बार मेरिट नहीं हुआ, मतलब फाइनल तक हर बार पहुँचे, लेकिन इस बार मेरा फाइनल हुआ। जब आप स्ट्रगल कर रहे थे तो समस्या भी आपके साथ हुआ होगा, सबसे ज्यादा आपके घर में कौन ज्यादा सपोर्ट किया था? घर में मेरे सब कोई सपोर्ट करते हैं, कभी मेरे मम्मी पापा हमको क्वेश्चन नहीं किए कि तुम्हारा रिजल्ट क्यों नहीं हुआ, कोई भी हो, भाभी लोग भी हमेशा मतलब सपोर्ट किए हमको, मोटिवेट किए कि नहीं नहीं करिए, हो जाएगा, जरूर होगा, पता है रिजल्ट तो आ ही रहा था, सिर्फ दरोगा का ही नहीं, सचिवालय का, रेलवे का, मतलब और दिल्ली पुलिस का सब बहुत सारा रिजल्ट हुआ है। अच्छा। सिर्फ दरोगा में नहीं हुआ, लेकिन उस सबको था कि आप देते थे, लेकिन मेन मेरा था कि दरोगा ही करके रहना है, छोड़ना है, मैंने आपका जो सपना था वो हाँ पूरा हो गया। अभी काफी घर में सभी का खुशी का माहौल है, ऐसा भी लगा होगा कि मैंने जो भी सपना है लगता है सपना पूर्ण नहीं हो पाया होगा, बीच में तो लगा होगा, बहुत बार लगता है जब फाइनल तक पहुंच के सीधे आसमान से जमीन पे जब गिरता है इंसान तो लगता है, हमको इस बार भी लग रहा था अगर नहीं हुआ तो हम पटना छोड़ देंगे, खाली कर देंगे, क्योंकि टाइम भी तो हो रहा था ना, तो इस वजह से तो लगा था, लेकिन सब लोग बोल रहे थे, भैया लोग भी बोल रहे थे नहीं नहीं हो जाएगा, कितना बार लक साथ नहीं देगा तुम्हारा। गांव से आप पढ़ाई किए, इसके बाद में लखी से गए, इसके बाद आप पटना गए, मार्ग आपको सही मार्ग आपको कहां से मिला जो कि आप जो है हर चीज में जाना आना शुरू कर दिए? पटना जाने के बाद ही, पटने से ही? हाँ, पटना जाने के बाद ही मिला, क्योंकि घर से तो ठीक है पढ़ाई हो जाता है, लेकिन जब बाहर निकलते हैं तो हर चीज़ फेस करना पड़ता है, आपको वहाँ रहना है, घर चलाना, रूम चलाना है, जितना पैसा मिल रहा है उसमें मैनेजमेंट करना है, मतलब सिर्फ पढ़ाई ही नहीं होता, उसमें ज़िंदगी कैसे जीना वो भी सीख जाता है इंसान। हाँ, कि कम पैसे है तो फिर कैसे लाइफ उसको मतलब कि मैनेज करना है। ठीक है, तो आप अपने गांव से अकेले थे और कोई थे आपके? नहीं नहीं, उस टाइम तो कोई लड़की नहीं थी, देखिए जिसका पेरेंट्स रह रहे हैं साथ में बाहर जो सेटल है तो वो लोग तो अपना बाहर ही रहे। आप जब पटना में रहती थी तो आपके साथ कौन रहते थे सपोर्ट में? उस टाइम तो हम अकेले गए थे, लेकिन मेरी बहन छोटी है तो वो भी गई थी, फिर उसको हम लेकर गए, जाना भी नहीं चाहती थी, तो हम बोले कि नहीं नहीं चलो तुम वहाँ जाकर बेटर हो जाए। कितना घंटा पढ़ाई में मेहनत करते थे ये थोड़ा सा दर्शक को बताइए? घंटा क्या मतलब, बस मोटिव यही रहता था खाने बनाने और सोने के अलावा जो है टाइम पढ़ाई पे ही देना है, उसके अलावा और क्या है करना, पटना पढ़ने के लिए गए तो वही तो करना है। हाँ, हम घर वर भी उतना नहीं आते थे, मतलब आते थे तो एक दो दिन के लिए चले जाते, वो भी कुछ फंक्शन वगैरह में आते। कैसा लग रहा है अभी तो आपका सपना पूरा हुआ, आप दरोगा बन गए, तो ये थोड़ा सा दर्शक को बताइए कि हम सपना में ही, हमको तो लग नहीं रहा है कि बिल्कुल सच में हुआ, वो जब रिजल्ट भी आया तो हम 10 बार से कम नहीं मिलाए होंगे, क्योंकि जब बार बार जब नहीं होता है ना पास पहुंच के तो डाउट हो जाता है ना मन में, कि लगता है अपने आप पे डाउट होने लगता है कि शायद हम कैपेबल नहीं हैं या नहीं हो पाएगा, शायद पता नहीं क्या होगा, शायद कुछ कमी रह जाता है। आप जिसे आप दरोगा तो बन गए, हाँ। कहीं कोई तो प्रकार की आप दिक्कत नहीं है, तो अब आपका ईमानदारी क्या रहेगा, क्योंकि आप तो गरीबी को देखे हैं। हाँ। अभी आप देखते होंगे कि जो भी पुलिस बन जाते हैं तो अपना कर्तव्य को आगे चल करके भूल जाते हैं, आपका क्या कर्तव्य? नहीं, मेरा हमेशा से रहा है कि एक ईमानदार ऑफिसर चाहे जिस लाइन में हो, जहाँ भी हो, हम देश को सर्व करना है, समाज के लिए काम करना है, जैसे गाँव के लिए भी देखते थे हम, बहुत सारी चीज़ें भी देखते थे कि कैसे लेडीज लोग पे भी थोड़ा सा होता है, किस तरह के मतलब उसका उनका फॉल्ट नहीं, गलती नहीं रहने के बाद भी उनको सताया जाता है, परेशान किया जाता है, तो इस वजह से सबको। महिलाओं के लिए आपका क्या सपोर्ट रहेगा? महिलाओं के लिए बहुत रहेगा, जो उनके लिए कर सकते हैं हमेशा करेंगे, जैसे गांव से ही शुरू करेंगे अपना, कि गांव में जिनके लिए हम हेल्प कर सकते हैं, जिनके लिए बाद में ऐसा नहीं है कि फिर बदलाव आ जाएगा? नहीं नहीं, बदलाव तो नहीं आएगा, बदलाव वर्दी पहनने के बाद लोगों में बदलाव आ जाता है, काफी लोग काफी बड़े बड़े लोगों से संपर्क हो जाता है, बाद में क्या होता है कि फिर जो गरीबी है वो लोग भूल जाते हैं, तो नहीं नहीं ऐसे कैसे भूल जाएंगे, हम देखे हैं ना गरीबी, उस चीज़ों से मतलब गुजरे हैं, तो हम नहीं वैसे कैसे भूल जाएंगे। क्या ऐसे बताइए जो जहाँ पे आप पढ़ाई कर रहे थे कुछ ऐसे शिक्षक हैं जिनका कि अभी भी आपको याद है, बहुत अच्छा आपको मार्क्स दिए, उनका नाम बताइए। हाँ, हम जब स्कूल में यहाँ भी पढ़ते थे ना, तो जो उस टाइम पे भी सरकारी में ही पढ़े हम 1 से लेकर 10 तक, लेकिन लोग कहते हैं सरकारी में पढ़ाई नहीं होता, ऐसा नहीं, लेकिन ऐसा नहीं, अच्छे अच्छे टीचर भी थे, पढ़ाते थे, मेरा तो यहीं से हुआ ना, 10th तक पढ़े, सारा कुछ अच्छा था, मैथ वगैरह सब कुछ, इंग्लिश। तो अभी हम अर्चना कुमारी से हम आपको मिलवाएं जो अभी दरोगा बन गई हैं, और इनके संघर्ष में क्या समस्या हुआ, कौन इनको ज़्यादा हेल्प किया, इसके बारे में हम जानकारियाँ लिए।
तो बताइए, माता पिता, बहन और भाभी काफ़ी इनको हेल्प किए। दो बार जो है असफल हुए, तीसरा बार में सफलता मिला और अभी फाइनल हो गया है, दरोगा बन गए हैं, कहीं कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है? कोई प्रकार नहीं। और अभी जब वो फिर दरोगा बन करके ट्रेनिंग में जाएगी और उधर से जब वर्दी पहन के आएगी तो फिर हम जो है इनका इंटरव्यू करेंगे। और अभी हम लाखूचक गांव में हैं। लाखूचक गांव है सर कि आपके गांव में दो दरोगा बने हैं ना? हाँ। तो लड़का बने हैं कि लड़की? दोनों बच्ची बनी है, लड़की बनी है, दोनों इस गांव का लड़की बनी है। लड़का क्यों नहीं बन पाया सर? लड़का भी बनेगा, देर हो रहा है, लड़का भी बनेगा। इसके बाद अब देखिएगा रिजल्ट आएगा तो यहाँ सैकड़ों की गिनती में आएगा।